एंड देखते हैं फाइल मैनेजमेंट सिस्टम में क्या क्या चेंजेस करे गए हैं कंपेयर टू द प्रीवियस वर्जन. सो एज वी ओपन अप द ई फाइल और द फाइल मैनेजमेंट सिस्टम, यू कैन सी सम शॉर्टकट्स ऑन द टॉप. ये देख लीजिए, रिसीट, फाइल, इशू या डिस्पैच हम कहते हैं, ये इनके शॉर्टकट्स आ रहे हैं. ठीक है, यहीं से आप क्रिएट कर सकते हैं, इनबॉक्स भी चेक कर सकते हैं, एडवांस सर्च कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें कर सकते हैं. तो मैं आपको एक एक करके बताता हूँ क्या क्या मोटा मोटी चेंजेस करे गए हैं. जैसे ही हम फाइल मैनेजमेंट सिस्टम में एंटर करते हैं तो कुछ शॉर्टकट्स दे दिए गए हैं यहाँ पे. पहले क्या करते थे हम, लेफ्ट हैंड साइड में रिसीट क्रिएट करनी है, डायरी करनी है. ठीक है, कोई भी डाक आपके पास आई, उसको डायरी करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड के नेविगेशन बार में जाते थे, रिसीट पे क्लिक करते थे, ब्राउज एंड डायराइज पे क्लिक करते थे एंड क्रिएट न्यू या इलेक्ट्रॉनिक पे क्लिक करते थे. ठीक है, इस वर्जन में शॉर्टकट दे दिया गया है. वो ऑप्शन तो आपके पास है ही जो लेफ्ट में थे, साथ ही साथ शॉर्टकट भी दे दिए गए हैं. रिसीट पे क्लिक कीजिए, इलेक्ट्रॉनिक पे क्लिक कीजिए, डायरी पेज ओपन हो गया. ठीक है, रिसीट की इनबॉक्स चेक करनी है, इनबॉक्स पे क्लिक कर दीजिए, रिसीट का इनबॉक्स ओपन हो गया. फाइल क्रिएट करनी है, फाइल के क्रिएट बटन पे क्लिक कर दीजिए, फाइल कवर ओपन हो जाएगा. फाइल का इनबॉक्स चेक करना है, यहां से चेक कर सकते हैं. डिस्पैच चेक करना है, डिस्पैच भेजे गए हैं, कितने भेजे गए, किस टाइम पे भेजे गए, यहां से चेक कर सकते हैं. तो शॉर्टकट्स दे दिए गए हैं अब, ताकि वन क्लिक में काम हो जाए. ठीक है, साथ ही साथ आपका टाइम बचे, सबसे इंपॉर्टेंट. सो इन ऑर्डर टू सेव द टाइम एंड इन ऑर्डर टू मेक थिंग्स इन वन क्लिक, वी हैव इंट्रोड्यूस्ड दीज शॉर्टकट्स. ओके, सेकेंड ऑफ ऑल, यहाँ पे हमने फिल्टर प्रोवाइड करा दिए गए हैं. तो ये जो फिल्टर है, ये बेसिकली फिल्टर आउट कर देंगे आपके फाइल या आपके रिसीट आपके इनबॉक्स से ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटी. अगर किसी भी फाइल पे प्रायोरिटी मार्क्ड है, भाई इमीडिएट, मोस्ट इमीडिएट या आउट टुडे, बहुत इंपॉर्टेंट फाइल है, ठीक है, आप उनको फिल्टर कर सकते हैं. सेकेंडली, सब्जेक्ट कैटेगरी के हिसाब से भी आप फाइल्स को फिल्टर कर सकते हो. कोई हिंदी की फाइल है, ठीक है, किसी स्पेसिफिक मैटर से रिलेटेड फाइल है, उसको आप फिल्टर कर सकते हैं. थर्डली, आप यहाँ पे फिल्टर कर सकते हैं अपनी फाइल्स को बेस्ड अपॉन व्हेन द फाइल वाज सेंट, ठीक है, और व्हेन वाज द ड्यू डेट ऑफ द फाइल. ठीक है, साथ ही साथ अदर काइंड ऑफ फिल्टर्स आर आल्सो प्रोवाइडेड हियर. लाइक कोई फाइल है एक्सटर्नल डिपार्टमेंट से आई है, ठीक है, किसी फाइल की ड्यू डेट एलैप्स हो गई है, उस बेसिस पे आप फिल्टर आउट करना चाहते हैं, भाई कितनी बेसिस, कितनी फाइल्स हैं जिनकी ड्यू डेट एलैप्स हो गई है, सिर्फ वही दिखे मेरे को. या कोई फाइल जो अदर डिपार्टमेंट से आ रखी है, किसी दूसरे डिपार्टमेंट से, सिर्फ वही दिखे आपको. या कि कोई ऐसी एक्सटर्नल मिनिस्ट्री से आ रखी है, बाहर किसी दूसरी मिनिस्ट्री से आ रखी है, सिर्फ वही फाइल्स दिखे आपको. तो यू कैन ऑल्सो फिल्टर आउट द फाइल्स बेस्ड अपॉन दैट. मैं आपको एक करके भी दिखा देता हूँ. किसी फाइल पे प्रायोरिटी मार्क हो रखी है, ठीक है, सिर्फ वही फाइल्स मेरे को शो हूँ, तब आप ये देख सकते हैं कि ये तीन फाइल है जो प्रायोरिटी मार्क्ड है. ये देखिए, इमीडिएट फाइल, ठीक है, तो ये फाइल्स वो हैं जो किसी प्रायोरिटी के साथ इंपॉर्टेंट या इमीडिएट फाइल्स हैं, ऐसे मार्क होके आई हैं. आप यहां से बटन्स की जो मेटा डेटा है उसकी आप लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं. ठीक है, मैं अगर चाहता हूं मेरे बटन हिंदी में दिखें, तो आप ये देख सकते हैं मेरे बटन जो है सारे हिंदी में आ रहे हैं. फाइल या रिसीट का कंटेंट हिंदी में नहीं आ रहा, सिर्फ और सिर्फ बटन हिंदी में आ रहे हैं. तो मैं आपको एक फाइल खोल के भी दिखाता हूं. ये देखिए, अभी जो फाइल है इसका कंटेंट तो जैसा था इंग्लिश में वैसा का वैसा ही आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ बटन्स जो हैं वो हिंदी में आ रहे हैं. वापस इसको इंग्लिश में कर देते हैं. लेफ्ट हैंड साइड पर जो नेविगेशन बार था वो एज इट इज वैसे का वैसा ही है. हमने शॉर्टकट्स इंट्रोड्यूस करे हैं, फिल्टर इंट्रोड्यूस करा है, ठीक है, यहाँ पे साथ ही साथ एक लैंग्वेज जो बटन का लैंग्वेज चेंज करती है ये इंट्रोड्यूस करा है. ठीक है, एक फुल स्क्रीन बटन भी इंट्रोड्यूस करा है. ये टॉप पे आप बटन देख रहे हैं येलो कलर का, इससे आप थोड़ा सा स्क्रीन और वाइड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं. ठीक है,
इसके साथ साथ अगर आप इनबॉक्स का जो व्यू है उसको चेंज करना चाहते हैं, ठीक, यहाँ पे स्विच व्यू इनबॉक्स है, ठीक है, अब ये इसका व्यू बदल गया है। ये बेसिकली आपका यूआई बेस्ड फंक्शनैलिटी है, यूजर इंटरफेस, आप यूजर कैसा देखना चाहते हैं, ठीक है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं रिसीट से और देखते हैं रिसीट के डायरी पेज पे क्या क्या चीजें चेंज हुई हैं, ये क्या क्या नए फीचर्स इंट्रोड्यूस करे गए हैं कंपेयर टू द प्रीवियस वर्जन। सो एज वी क्लिक ऑन क्रिएट इलेक्ट्रॉनिक, यहाँ पे फर्स्ट थिंग इज वी गॉट अ रिमूव बटन, ठीक है, वी हैव इंट्रोड्यूस दिस रिमूव बटन। पहले पिछले वर्जन में रिमूव बटन नहीं था, यहाँ पे हमने एक रिमूव का बटन इंट्रोड्यूस करा गया है। तो मैं एक डॉक्यूमेंट अपलोड करता हूँ, तो ये मैंने एक डॉक्यूमेंट अपलोड करा है, मैं इसको रिमूव करना चाहता हूँ, मैं सिंपली रिमूव बटन पे क्लिक करूंगा, यस करूंगा एंड रिमूव कर पाऊंगा, ठीक है। पिछले वर्जन में ये फंक्शनैलिटी फीचर नहीं था, इस वर्जन में हमने ये इंट्रोड्यूस करा है, ठीक है। उसके बाद ऑन द राइट हैंड साइड मोस्ट ऑफ द ऑप्शन रिमेन्स द सेम, तो मैं एक एक करके आपको बताता हूँ। डायरी डेट इज द डेट व्हेन इट वाज डायरीड, ठीक है, व्हेन इट इज डायरीड, फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन, व्हाट काइंड ऑफ कम्युनिकेशन इट इज, किस प्रकार का कम्युनिकेशन ये है, जो डाक या लेटर आपने लगाया है, ये ऑफिस मेमोरेंडम है, ऑफिस ऑर्डर है, क्या है बेसिकली, ठीक है, किस लैंग्वेज में है, ठीक है, क्या रिसीव डेट है, किस दिन रिसीव हुआ है, लेटर डेट क्या है, लेटर पे जो डेट है वो क्या है, लेटर रेफरेंस नंबर क्या है, फाइल मोड क्या है, डिलीवरी मोड क्या है, किस प्रकार से आपको डिलीवर हुआ है, मोड नंबर क्या है, जो ट्रैकिंग नंबर होगा, ठीक है, वीआईपी है तो यहाँ पे आप मेंशन कर दीजिए। ये सारी चीजें पिछले वर्जन में भी थी, इसमें भी है। उसके बाद कॉन्टैक्ट डिटेल्स का ऑप्शन है, पिछले वर्जन में मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट, अब ये जो है अदर्स का, ये जो ये वाली फील्ड है मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट, ये अलग अलग आती थी, ये सेपरेटेड थी, ठीक है, मिनिस्ट्री की अलग फील्ड थी, डिपार्टमेंट की अलग फील्ड थी, ठीक है। इस वर्जन में हमने क्लब कर दिया है, अगर आप मिनिस्ट्री लिखेंगे सारी मिनिस्ट्री लिस्ट हो जाएंगी, डिपार्टमेंट लिखेंगे सारे डिपार्टमेंट लिस्ट हो जाएंगे, ठीक है, अदर्स लिखेंगे तो अदर्स का ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा। तो पिछले वर्जन में क्या था, आपको डिपार्टमेंट अगर देना है तो अलग से डिपार्टमेंट वाले फील्ड में लिखा करते थे, इस वाली फील्ड में हमने क्लब कर दिए हैं, तो आप तीनों चीजें एक में ही देख सकते। अब देखिए मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर, ठीक है, जो भी डिपार्टमेंट है सारे लिस्टेड है, मिनिस्ट्री ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट जितनी भी चीजें हैं सब लिस्ट कर रखी है यहाँ पे। उसके बाद नेम का ऑप्शन है, तो नेम पिछले वर्जन की तरह ही, यहाँ पे एक चीज जो नई इंट्रोड्यूस करी गई है, अब आप एड्रेस बुक जो है वो अपने लिए और अपनी सेक्शन के लिए और अपने डिपार्टमेंट लेवल पे या अपने इंस्टेंस लेवल पे इंट्रोड्यूस सेव कर सकते हैं। तो पिछले वर्जन में क्या था, आप सिर्फ और सिर्फ जो एड्रेस बुक है अपने लिए सेव कर पाते थे, इस वर्जन में आप एड्रेस बुक में एंट्री जो करेंगे वो अपने लिए भी कर सकते हैं, आप चाहते हैं आपके डिपार्टमेंट में सेव हो जाए, आपके सेक्शन में सेव हो जाए, ठीक है, आपके सेक्शन के जितने भी लोग हैं वो एड्रेस बुक को व्यू कर पाए जो आप क्रिएट कर रहे हैं साथ साथ, ठीक है, या सेव कर रहे हैं कॉन्टैक्ट को, या आप चाहते हैं डिपार्टमेंट लेवल पे भी डिपार्टमेंट में जितने भी लोग हैं जो आपने एंट्री करी है उसको वो देख पाए या उसको वो यूज कर पाए, तो आप सेक्शन लेवल, सेल्फ, डिपार्टमेंट लेवल और इंस्टेंस लेवल पे अपने कॉन्टैक्ट या एड्रेस बुक को सेव कर सकते, ठीक है। उसके बाद हम एड्रेस डालेंगे सीधे, ये सब चीजें पिछले वर्जन में थी, कुछ चीजें जो नई है मैं वो आपको मेंशन करता जा रहा हूँ। कैटेगरी एंड सब्जेक्ट, कोई इनक्लोजर्स या रिमार्क्स हैं तो वो आप मेंशन कर दीजिए। उसके बाद तीन बटन है, जनरेट, जनरेट एंड सेंड, जनरेट एंड कॉपी, तीनों में रिसीट नंबर जनरेट हो जाएगा, आपकी डार्क डायरी हो जाएगी। क्या डिफरेंस है बता देता हूँ, जनरेट पे क्लिक करेंगे तो रिसीट नंबर जनरेट हो जाएगा, जनरेट एंड सेंड पे क्लिक करेंगे तो रिसीट नंबर जनरेट हो जाएगा, इमीडिएटली सेंड वाला पेज खुल जाएगा, जनरेट एंड कॉपी पे क्लिक करेंगे रिसीट नंबर जनरेट हो जाएगा, या राइट हैंड साइड पे जितनी भी डिटेल्स हैं ये कॉपी हो जाएंगी, ठीक है। तो ये डिफरेंस है तीनों में, इसको जनरेट कर देते हैं।
इस प्रकार से ग्रीन कलर में सक्सेस मैसेज, इसको हम ब्रेड क्रम नोटिफिकेशन भी बोलते हैं। ओके, तो ये जो ग्रीन कलर का ऐसा नोटिफिकेशन है, इसका मतलब बेसिकली ये है दैट द रिसीट हैज सक्सेसफुली बीन डायरीड। पिछले वर्जन में क्या था, कई बार हम जनरेट पे क्लिक करते थे और पता ही नहीं चलता था, स्क्रीन फ्रीज हो जाती थी, तो हमें एक आइडिया नहीं रहता था कि डायरी हुआ नहीं हुआ। तो यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन मिला करेगा ऐसे छोटा सा ग्रीन में या रेड में कि डायरी हुआ है या नहीं हुआ पिछले, ठीक है। तो दिस इज समथिंग न्यू दैट वी हैव इंट्रोड्यूस्ड। इसके साथ साथ वी हैव ऑल्सो इंट्रोड्यूस दिस रिसीट होम और द होम बटन। अब मैं मूवमेंट वाले पेज पे हूँ, ठीक है, और मेरे को वापस से रिसीट देखनी है, तो मैं ये क्लिक करूंगा रिसीट होम एंड आई कैन सी द रिसीट एंड द डिटेल्स। या मैं सेंड करने वाला था फाइल को या रिसीट को, एंड मेरे को ध्यान आया कि नहीं रिसीट में कुछ मिसिंग है या मेरे को कुछ ऐड करना है या कुछ अपने कुछ भी चीज डिलीट करनी है, मॉडिफाई करनी है, आई कैन सिंपली क्लिक हियर एंड मूव बैक टू द रिसीट पेज, ठीक है। तो मूवमेंट से आप मूवमेंट चेक कर सकते हैं रिसीट या फाइल की। कॉपी करेंगे तो आपकी राइट हैंड साइड की डिटेल्स कॉपी हो जाएंगी, जो जनरेट एंड कॉपी वाला ऑप्शन था ना, देखिए वो ऐसे होता है, जब मैं जनरेट एंड कॉपी पे क्लिक करता हूँ तो राइट हैंड साइड की डिटेल्स कॉपी हो जाती है, लेफ्ट हैंड साइड पे मैं दूसरी अपनी लेटर लगा सकता हूँ और डायरी कर सकता हूँ, ठीक है। आगे देखते हैं, सेंड से आप सेंड कर सकते हैं इस रिसीट को, ठीक है, यहाँ पे टू में या सीसी में नेम देके रिमार्क्स अपने देके और सेंड कर सकते हैं, ठीक है। फिर पुट इन अ फाइल का ऑप्शन आता है, यहां से आप फाइल भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, और रिसीट भी फाइल में पुट अप कर सकते हैं, बट गिविंग अ प्रॉपर रिमार्क्स। जब तक आप रिमार्क्स ही देंगे तब तक अटैच बटन पे आप क्लिक करेंगे तो कुछ होगा नहीं, रिमार्क्स इज मैंडेटरी हियर। ओके, सो व्हेनेवर यू आर अटैचिंग और पुटिंग अप एनी रिसीट इन योर फाइल, मेक श्योर दैट यू गिव प्रॉपर रिमार्क्स, ठीक है। यहां से आप रिसीट को सर्च भी कर सकते हैं, कोई रिसीट आपको मिल नहीं रही क्योंकि ये लिस्ट बढ़ती चली जाएगी आपकी, ठीक है। तो 2023 में आप बहुत सारी रिसीट हो सकते हैं डायरी करें तो ये लिस्ट बढ़ जाएगी, ठीक है, तो आप यहां से सर्च भी कर सकते हैं, ठीक है, बेस्ड अपॉन सब्जेक्ट, फाइल नंबर, कंप्यूटर नंबर, या मतलब बेस्ड अपॉन रिसीट नंबर या फाइल नंबर को बेसिस पर आप सर्च कर सकते हैं इसको, ठीक है, जिस फाइल आपको लगानी है, ठीक है। उसके बाद एडिट का ऑप्शन है, रिसीट के डायरी करते टाइम अगर आपने कोई चीज गलत भर दी थी, स्पेलिंग मिस्टेक रह गई थी, तो आप एडिट कर सकते हैं यहाँ से रिसीट को, ठीक है। उसके बाद ऑप्शन है अटैच का, ठीक है, अगर आप इस रिसीट के साथ फॉर रेफरेंस कोई और फाइल या रिसीट अटैच करना चाहते तो आप कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हम फाइल के ऊपर फाइल रख के चला देते हैं या फाइल के ऊपर रिसीट रख के चला देते हैं, ये वो अटैच का बटन है, ये आपकी रिसीट जो है फाइल के अंदर नहीं जाएगी ऐसे, फाइल के अंदर के लिए पुट अप पुट इन अ फाइल का ऑप्शन ही यूज करना पड़ेगा, ठीक है, जैसे पहले था। ड्राफ्ट का ऑप्शन है, अगर ये कोई स्टैंड अलोन रिसीट है और इसके अगेंस्ट आपको एक ड्राफ्ट इशू करना है तो यू कैन ऑल्सो इशू अ ड्राफ्ट फ्रॉम हियर, ओके, बाय क्रिएटिंग अ न्यू ड्राफ्ट एंड इशूइंग इट, ओके, इफ दिस इज अ स्टैंड अलोन रिसीट। कई रिसीट ऐसी होती हैं जो स्टैंड अलोन चलती हैं, मतलब किसी फाइल का पार्ट नहीं बनती हैं, ठीक है, उस सिनेरियो में, देन वी हैव द ऑप्शन ऑफ क्लोज, यहां से आप क्लोज कर सकते हैं गिविंग प्रॉपर रिमार्क्स। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द रिसीट पार्ट, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड का नेविगेशन बार रिमेन्स द सेम, ब्राउज एंड डायराइज ऑप्शन, इनबॉक्स, क्रिएटेड, सेंट, ये सब पिछले वर्जन में भी था, इस वर्जन में भी है,